बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है कि 94,000 शिक्षक बहाली को रद्द कर दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है या ये पूर्णतः अफवाह है? बिल्कुल ही अफवाह है और इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह उड़वाया गया है और इस तरह के अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास जारी, इसलिए इन सारी अफवाहों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दें और जो कुछ भी इस तरह का चीज होगा तो मैं आप लोगों के सामने आ करके मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल अफवाह। दोस्तों जो एक न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही है कैंसिल को लेकर के, इसके माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है, इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है सर। और आज का सचिवालय का अपडेट क्या है? आपकी टीम लगातार सचिवालय का दौरा कर रही है, तो आज 15 फरवरी का क्या अपडेट है सर? आज सचिवालय का अपडेट ये है कि आज सुनीता जी और अर्चना राज जी और शंभु सुमन जो है वो मधुबनी के हैं, वो भी तीन आदमी लोग गए थे और आज सचिवालय में काफ़ी गहमा गहमी थी, चूँकि शिक्षा मंत्री जी के साथ जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक महोदय और शिक्षा विभाग के अन्य तरह अधिकारियों की लगातार मीटिंग चल रही थी, अंत में 7 बजे के लगभग सुनीता जी और ये शंभु सुमन जी वहाँ गंभीर तक से माननीय शिक्षा निदेशक महोदय से जाकर इन लोगों ने बात की और जो गंभीर सर जी के द्वारा जो बातें कही गई है वो बिल्कुल पॉजिटिव बातें कही गई है, कहीं भी किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कहीं कोई दिक्कत है। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि जो भी केस है जो मेटर प्लांट के प्रेशर वाला उस पर सचिवालय स्तर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उस चीजों को और काफी मैंने लगातार जो है उन चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं शिक्षा विभाग भी और खासतौर से हम लोग भी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जो कुछ बीच में कुछ तकनीकी फॉल्ट थी उन सारी फॉल्ट को सॉल्व कर लिया गया और बुधवार को जो सचिवालय के शिक्षा विभाग के द्वारा तो उसको कुछ सुधार किया गया उसके द्वारा फिर से वहां पर दिया जाएगा और देने के बाद जब जज साहब बैठेंगे तो हमें लगता है कि किसी कोई समस्या बीच में है नहीं, इसलिए कहीं कोई ऐसा मैटर है ही नहीं जिसके कारण बहाली पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा, जो जो समस्या थी समस्या का समाधान शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा कर लिया गया, तो जज साहब को हमें नहीं लगता कि ज्यादा समय नहीं है, हो सकता है कि उस दिन भी या 2-3 दिन के अंदर यानी हमें लगता है कि 20-22 तारीख तक कुछ स्वाभाविक रिजल्ट सुनने का हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि उसमें कुछ मैटर जो था उसको फॉरवर्ड करके सॉल्व कर दिया गया, किसी तरह का कोई मैटर है नहीं, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, इसलिए हमें लगता है कि बहुत जल्द ही कोर्ट के द्वारा भी हम लोगों को जो आगे की प्रक्रिया जो काम करने और सीधे जारी करने की जो अनुमति है वो कोर्ट के द्वारा हमें संभावना है बहुत जल्द मिल सकती है, अनुमति मिल सकती है। सर जैसा कि ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण ही शेड्यूल जारी नहीं हो पा रहा है और माननीय शिक्षा मंत्री ने भी यही चीज बोला है, तो इसमें काफी कुछ जैसा आप बता रहे हैं काफी कुछ प्रगति भी हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह से शायद डेट आ सकती है क्या? देखिए सबसे पहले बात है कि जो पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय है वो पटना से बाहर वो अरुणाचल प्रदेश में हुए, ठीक है, और यही कारण है कि आज मंडे था, मंडे के दिन भी आज नहीं बैठे, लेकिन 18 तारीख से संभावना हो 18 तारीख से क्योंकि बैठने की कितनी संभावना है, तो बीच में जो कुछ तकनीकी फॉल्ट जो आ गई थी उसको दूर करके मंडे बुधवार को उसको फिर से उनके पास प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके बाद ही जज साहब देखेंगे और देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि उनको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सारा डिमांड जो है प्लांट प्रदर्शन का वो करीब करीब शिक्षा विभाग ने सॉल्व कर लिया मान लिया है, तो कोई समस्या है ही नहीं, तो हमें लगता है कि जज साहब को भी कोई समस्या नहीं होगी और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही
आगे की प्रक्रिया करने के लिए जो अनुमति है वो चिट्ठी है वो सचिवालय में जा सकती है। इसलिए हमने ट्राई की है कि जो मंदिर से लेकर के और सैटरडे तक कुछ न कुछ हमें सुनने को मिल सकता है। इसलिए हमें उम्मीद है 20 या 22 तारीख तक कुछ पॉजिटिव बातें हम लोगों को सुनने को मिल सकता है। सर एक बार मैं आपसे और एक इस प्रश्न को जानना चाहूंगा कि जो न्यूज़ अखबार जो काफी अभी वायरल हो रही है, काफी कमेंट्स आ रहे हैं, काफी कॉल अभी भी आ रहे हैं मेरे नंबर पे, तो एक बार फिर से आप इस चीजों को रिपीट कर दीजिए। देखिए मैं बार बार बिहार के सभी अभ्यर्थियों को भाई बहन को मैं बार बार समझाता हूँ कि जब कभी भी कोई न्यूज होगा तो मैं आप लोगों के सामने आकर के बताऊंगी कि हाँ इस तरह का न्यूज है, और जब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं हूँ तो फिर आप इस इन चीजों को अफवाह पर आप क्यों ध्यान देते हैं। आप जब बताइए 1 घंटा पहले रणजीत सरसम मिल करके लोग आई है और वो सारा रिपोर्ट आपको बता रहे हैं तो फिर कैसे रद्द हो जाएगा, रद्द कैसे हो जाएगा बताइए। इस तरह का जो पेपर में छपवाया जाता है हमारे जो विरोधी है वो सब तरीका अपना रहे हैं, उनको जो भी तरीका अपनाना है वो अपनाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई भविष्य में कोई चिंता नहीं रहे, कोई बात का अफसोस नहीं रहे। तो हम ये काम नहीं किए थे पहाड़ी को फंसाने के लिए, उनको जो अच्छा लगे वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हम लोगों का जो काम है हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए इन सब चीजों पर ध्यान क्यों देता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूँ कि एक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखता हूँ, क्यों नहीं देखता हूँ मैं भाई, हम जान रहे हैं कि उस ग्रुप में क्या होता है, दिन पर रात रात को दिन बनाया जाता है, आप उस भी रिक्वेस्ट है कि उन सब चीजों को क्यों ध्यान दे रहे हैं। जब कभी भी कोई न्यूज आएगा उस न्यूज को देने के लिए हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे और जो हम बोलेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक बातें होगी, ऐसा नहीं कि कोई लगाओ बगाओ मन अपने मन से कोई बात मैं बोलता हूँ, जो चीजें होती है इसको मैं बताता हूँ। इसलिए आप लोग इन सब चीजों का ध्यान नहीं दीजिए, ये आपस में जो है दिलवर्जित करके टेंशन करवाएगा, उन्हें जान रहा हो इस तरह से छपवाएंगे, उनको कॉल करके राजेंद्र जी को परेशान करें लोग, तो ये चीज उन लोग का तो मेन उद्देश्य यही रहता है। तो आप लोग भी समझदार है, इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, बिल्कुल अफवाह कहीं कोई भी करते हैं। अभी 1.5 घंटा पहले हम बता रहे हैं 8:30 बजे सचिवालय से लोग आया है, अभी हम बात ही कर रहे थे सचिवालय के लेवल पर, तो फिर कहां से जीतपुर के न्यूज का प्रोग्राम पड़ेगा आप लोग, ये हो जाएगा घर जो फिर से रद्द हो जाएगा, कौन आधार को रद्द हो जाएगा, हम चौदह कौन आधार को बता दिया कि रद्द हो जाएगा बताइए, जबकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 84,000 शिक्षकों की अप्रूवल कर दिया, उसको ऑर्डर कर दिया कि हमारी बहाली होगी, और हम कौन करेगा पेपर वाला बात करेगा। इन सब चीजों पर आप लोग ध्यान क्यों देते हैं, हमारे पास भी कॉल आ रहे हैं बार बार, ये न्यूज आ गया तो कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, भाई ऐसा आप लोग कम से कम कमजोर मत बनिए, हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी हर चीज पर ध्यान दिए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह की चीजें होगी तो हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, जरूर बताएंगे, लेकिन ये अफवाह है और बिल्कुल गलत है। आज देखिए सचिवालय में जो लोग गए उन लोगों को 2-3 बिंदु पर हमने बात करने के लिए कहा, सबसे पहली बात था कि जो अभी मैटर हम लोगों का जो केस का ब्लाइंड प्रेजेंटेशन था उसका प्रगति रिपोर्ट बताइए, रणजीत सर ने कहा कि बिल्कुल रिपोर्ट हम लोगों ने बिल्कुल उसको जो भी सोची था उससे पहली बार जो दिया गया था वहां पर तो उसमें कुछ सोची था तो त्रुटि को दूर कर लिया गया और फिर से उसको भेजा गया, तो बुधवार को फिर पहुंच जाएगा कोच में, बुधवार को जाएगा तो फिर जज साहब के पास जाएगा, वो जज साहब के पास जाएगा तो जज साहब को कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि जिसके कारण वो अनुमति नहीं देंगे, सारी समस्या का समाधान हो गया, अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तब उसका जज का ऑपरेशन होगा। तो जो जो ब्लैंड प्रदर्शन का डिमांड था वो शिक्षा विभाग ने मान लिया, तो फिर तक उसको कोई समस्या आई नहीं, कोच जो है उस पर जवाब देगी और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही वो शेड्यूल जारी करने की अनुमति भी दे सकती है।
और भी मैंने मिनिटा जी को मैंने बताया था जो कैरेक्टर से टिकट की जो बातें हो रही है, कैरेक्टर से टिकट का भी आज बात की है रंजीत सर से। रंजीत सर का कहना है कि क्या इसके पहले भी इस तरह का लागू हुआ था, तो मिनिटा जी बोली कि नहीं इस तरह से पहले लागू नहीं है। उनका कहना है कि वो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहने का मतलब है उनका कहना है रंजीत सर का कि अगर जिनको सुविधा है वो बनाना चाहते हो बना ले, ठीक है, अगर उस समय जरूरत पड़ेगी तो मांगा जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इच्छुक है, ये कोई नेसेसरी उन्होंने नहीं बताया, ये कंपलसरी है, वो ऑप्शनल उन्होंने रखा है, जिनको बनाने की इच्छा हो बना ले और जिनको बनाने की इच्छा नहीं हो नहीं बना, कोई कंपलसरी नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जैसा उस समय परिस्थिति रहेगा वैसा हम बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया तो जरूरी नहीं है। बाकी सब और भी जो चीजें हैं मैंने जो जाति आवासीय है या जो ओबीसी है ईडब्ल्यूएस है, उन्होंने कहा कि इसको भी आप रिन्यूअल करा सकती है, अगर मान लीजिए कि हमें जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लेंगे आपसे वो रिन्यूअल, ठीक है, रिविजन करवा करके मंगवा लेंगे, और नहीं जरूरत पड़ेगी तो पुराने वाला से काम चलेगा, लेकिन अगर सुविधा है तो आप लोग बनवा लीजिए, नहीं तुमको कहना मैं अगर वो कहते हैं कि ना बनाना एकदम जरूरी है, वो बनाना जरूरी है, उन्होंने ऑप्शन में रखा इस बात को, आप चाहे तो बनवा भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी बनवा सकते हैं, तो जैसा भाई और बहन को सुविधा हो उस तरह को काम करे, ऐसा कुछ कंपल्सरी उन्होंने नहीं देखा, एकदम बनवाना जरूरी है, ठीक है जी सर। दोस्तों आज जो न्यूज वायरल हो रही है पूरी तरह से अफवाह है, इसे बिल्कुल ध्यान ना दें, आप पेशेंस बना करके रखें। सर आप हमारे चैनल में आए और हमारे सारे अभ्यर्थियों को जो खबरें फैलाई जा रही है उसके बारे में बताया और सचिवालय के अभ्यर्थी के बारे में बताया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आप लोग सभी प्यार के जो भी अभ्यर्थी है भाई बहन, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना कमजोर कैसे हो जाते हैं, आप लोग कोई भी बात को स्वीकार कर देते हैं और या तमाम जो भी होता है उसको तुम दिमाग में बैठा लेते हैं, और सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन का हम लोग सचिवालय का मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, कहाँ पर फाइल गया, कहाँ से फाइल जाने वाला है, कल किसके पास पहुंचेगा, ये सारी खबर जो है हम लोग वहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। और अब मैं बार बार बोलता हूँ कि सब बात हम आप लोगों के सामने अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें भी विभाग की तरफ से कुछ निर्देशित किया गया है, जो काम हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा, तो कम से कम हम लोग इस चीज को पालन करते हैं और आप लोग भी पालन करिए। आपको पता है कि रंजीत सर किसी से मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हम लोग के जो यूनियन के जो भी कुछ क्योंकि हम आपको पता होगा कि मेरा कोचिंग है और कोचिंग में सरस्वती पूजा मनाया जाता है, इसमें हम लगे हुए हैं, आज भी हम दिन भर व्यस्त तो कल भी दिन भर व्यस्त रहेंगे, यही कारण सब सचिवालय नहीं जाता, लेकिन हम सचिवालय नहीं भी जाते हैं फिर भी कोई ना कोई जाता है, चंदोली भी जाती हो, दिलीता भी जाती हो, अर्चना भी जाती हो, या चौधरी भी जाएंगे, या शंभू सुमन है वो जाते हैं, या चिंती राज के जाती है, या प्रीति माला भी जाती है वो भी जाते रहते हैं, बीच बीच में सुधारते ही पप्पू जी भी जाते रहते हैं, तो इस कोई ना कोई वहां पर के जा ही रहा है। और रंजीत सर को पता नहीं है क्या, रंजीत सर को सब मालूम है कि कौन है जो, तो किसी से मिले या नहीं मिले, लेकिन हम लोगों से मिलते हैं और बुलाते भी, बहुत बार कभी उन्होंने बुलाया कि आप लोग बहुत बार कभी आइए, कि जो अधिकारी जो आप लोग को पता नहीं है बहुत से भाई बंधु बहुत ही ध्यान कर रहे हैं हम लोगों पर, मतलब इस तरह के सचिवालय में लोगों को उल्लू बना रही कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग के जो काम हो रहा है जो चीजें हम लोग देख रहे हैं हम कैसे पहुंचे नहीं काम हो रहा है, और जो भी वहाँ कोई पदाधिकारी को क्या सबक लगा हुआ है वो कहेगा कि कल आओ परसों आओ, तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग आते रहिए, आप लोग आते हैं तो हम हमारा भी काम बहुत ही गति पकड़ लेता है, हम भी आपको जब भी देख लेते हैं हमको भी लगता है कि इस काम को करना है, तो कम से कम ये भी जान रहे हैं बात से शुरू कर रहे हैं, नहीं लोग को बुला बुधवार को भी बुला है खुद बुला है, तो बुधवार को भी आप लोग आइए, तो कैसे कह रहे कि काम नहीं हो रहा है,
क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो दूसरे पुराने मेरे पर्सन है, जो बैठे बैठे जो घर पर लोग खाते रहता है ब्लेम करता लोग, तो वो एक दिन समय निकाल करके मेरे पर्सन है और हम उनको रूबरू कराते रणजीत पर, वो क्वेश्चन पूछना वहाँ पूछिए आपको पता चल जाएगा। हम लोग भी रात दिन लगे वही सब बैठे लोग थोड़ी है, हम नहीं जाते हैं लेकिन हम किसी और को भेजते हैं और जो भेजते हैं वो सब भी जान रहे हैं कि अतिरिक्त बना कर नहीं लगाता, इसलिए जो भी रिपोर्ट होता है उनको बताया जाता है। इसलिए भाई और बहनों इन सब चीजों पर ध्यान दे दीजिए, हमारे जो भी विरोधी है वो सब तरीका अपना रहे हैं, कोई तरीका वो बाकी छोड़ना नहीं चाहते और हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप लोग इस तरह के जो काम कर रहे हैं कल कोई तरह का अफसोस नहीं रह गया आप लोगों को, ये काम हमने किए थे जिसके कारण बहाली हो गया। आप लोग को जितना पावर है जितना शक्ति है जितना दिमाग है सब लगा लीजिए आप लोग, हम एक भी आप लोग को माना नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इतिहास उसी को याद करता है जो सबके हित में सोचता है तो सबके लिए काम करता है, इतिहास उसको नहीं याद करता है जो सबका काम बिगाड़ने के लिए और सबके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनका क्या वेट है। आज शिक्षा विभाग में सारे लोग कितने पदाधिकारी हैं सब जानते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है, सब उनको पता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ इज्जत दी जाती है, मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं अपना काम करो करने दीजिए, हम उनको नहीं माना करने जाएंगे, हम नहीं माना करने जाएंगे क्या क्यों कर रहे हैं, आपसे जो करना है करना, लेकिन सबसे परेशान हो सकती है लेकिन सबसे के बजाय निश्चित है समय इंतजार कीजिए, समय हम लोगों का भी विपरीत में चल रहा है, आपने जितना मजा मांगना है मांग लीजिए, मजा लेना है ले लीजिए, लेकिन याद रखिए सबसे एक दिन जरूर विजय होगी और जिस दिन विजय होगी सबसे की उस दिन मैं लाइव आऊंगा और सब मैं बहुत विशिष्ट बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, बताऊंगा किस तरह से बातें यहाँ हुई। इसलिए भाइयों आप लोग जिस तरह की गलत बयानबाजी गलत मैसेज गलत पेपर में जो प्रिंटिंग होता है प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन सब बातों को जाने दें, अगर किसी तरह की बात होगी हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे और जो करके बताएंगे तो हाँ ये बातें सच्चाई है, लेकिन ये जो पेपर में छपा है तो अभी बिल्कुल इसको ये ग्रुप में जो चल रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या है, अफवाह है, कहीं का कोई इसमें सत्यता नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर बिल्कुल ध्यान न दें, जो भी ऑथेंटिक न्यूज